पूरा फोन एकदम ब्रांडेड माल है भाई। ये कौन सा है भाई? भाई देख लो भाई, पूरा ब्रांडेड माल है भाई साहब। iPhone Pro Max 12 है भाई। 12 तो है ही नहीं भाई, ये तो 11 है Pro Max। लेकिन मैं पढ़ा लिखा होता हूं नहीं, तो लेना तो ले लो, मात्र मैं दे दूंगा आपको 15,000 में, 10,000 रुपए दे दूंगा आपको। चलो भाई मैं चेक कर लूं कितने का है नया भाई। नया मिलता है 90-80। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल बिजनेस ट्रेंड में। मैं आपको दिल्ली के फेमस चोर बाजार के बारे में बताने वाला हूँ। दिल्ली का चोर बाजार लाल किले के जस्ट सामने लगता है और काफ़ी बड़ा है, वर्ल्ड जानता है इसके बारे में, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। काफ़ी चीज़ें आपको पता होगी, बट अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उधर का माइनस पॉइंट क्या है, जाने से पहले किस बातों की सावधानी रखनी ज़रूरी है, उसके साथ साथ उधर किस तरह का माहौल बनता है वो मैं पूरी डिटेल आपके सामने लेके आया हूँ। और मैं आपको बताऊँगा कुछ ज़रूरी टिप्स जो आपको चोर बाजार जाने से पहले देखनी चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये संडे को मार्केट लगता है चोर बाजार, जो आप देख रहे हैं ये लाल किले के सामने जस्ट सामने लगता है और सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, जो पूरे दिन तक चलता है। दोस्तों ये पूरा चांदनी चौक का एरिया बोला जाता है, पूरे चांदनी चौक के एरिया में ये कम से कम 1.5 किलोमीटर के अंदर पूरा ये मार्केट लगता है। मेट्रो स्टेशन से लेकर जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन तक लगता है, कम से कम 1.5 किलोमीटर के एरिया को ये पूरा कवर करता है। और साथ ही दोस्तों ये इस एरिया के अंदर आप जब भी जाओ तो अपने सामान को सेफ्टी के हिसाब से लेके जाना, जो ज़रूरी चीज़ें वही साथ में लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर पॉकेट चोर भी बहुत काफ़ी आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ 19 दुकान पर रुकना जहाँ आपको कंफर्टेबल फील हो, ये मैं आपको इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जिस दुकान पर रुकोगे जहाँ पर आपको भीड़ दिखेगी मोस्टली वहाँ पर उनके 8-10 आदमी तो उन्हीं दुकान वालों के आदमी रहते हैं, जो शॉपिंग के बहाने पर उधर खड़े रहते हैं और भीड़ इकट्ठा करके ऐसे माहौल बनाते हैं कि ये सबसे सस्ता सामान दे रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से मार्केट के बारे में पूरी जानकारी के साथ में कि किधर क्या मिल रहा है, और आपको मैं मोबाइल के मार्केट के बारे में भी बताऊँगा। दोस्तों चोर बाजार में आपको बहुत सी वैरायटी देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये आपको फुटवेयर लेडीज़ फुटवेयर दिखेंगे बहुत ही रीजनेबल रेट में यहाँ पे, ये सब मिल रहे हैं ये कपड़े। और जितने भी मार्केट आपको मैं कैमरा साइड में हटा नहीं सकता हूँ क्योंकि इतनी यहाँ पे लाइन लगी हुई है कि कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। ये सब 50-100 रुपये के अंदर की आइटमें हैं। और बात करें अगर लेडीज कपड़ों की टूल्स की, तो ये सभी आइटमें आपको यहाँ पर रीजनेबल रेट में मिल जाएंगे। ये लोग जूना बोल के चोरी का माल बोल के बेचते हैं, लेकिन रहता कुछ चोरी का माल नहीं है। एक काफ़ी लोग जो होलसेलर रहते हैं उनसे सस्ते भाव में खरीदते हैं, जो भी पुराना डैमेज माल रहता है उसको रिपेयर करके वापस ये चोर बाजार में ला के बेचते हैं, जिससे उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है और उस हिसाब से वो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। और अभी भाई साहब ये मोबाइल बेच रहे हैं, MI कंपनी का ये मोबाइल है, मैंने उसको रेट पूछा तो ये बता रहे 5,000-6,000 में आपको मोबाइल दे दूंगा, ये चोरी का माल है। लेकिन दोस्तों रियलिटी बात ये रहती है कि चोरी का माल नहीं रहता है। दोस्तों ये MI कंपनी का चाइना का सेकंड कॉपी पीस रहता है, जो ये 2,500-2,000 के आसपास में परचेजिंग करके अपन को 5,000 में बेचते हैं और कहते हैं ये चोरी का माल है। हूबहू दिखता है, सेम टू सेम दिखता है, जिससे अपन भी खुद भी कोई भी आदमी है इंसान है वो कन्फ्यूज हो जाएगा, यार इतना अच्छा पीस इतने कम प्राइस में मिल रहा तो ले लो। लेकिन दोस्तों जब भी ये चीज़ें परचेज करो तो पूरा डिटेल के साथ ही परचेजिंग करना। दोस्तों ये मार्केट में और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। ये दोस्तों कार्बन कंपनी का मोबाइल है, और आपको बहुत से मोबाइल आपको इधर देखने को मिलेंगे, जो टच पैड है, कीपैड है, और बहुत सी वैरायटी के फ़ोन है, और साथ में उसके एसेसरीज भी मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी मोबाइल या कोई एसेसरीज आप खरीदें तो दुकान से ही खरीदें, क्योंकि आइटम में आपको कब तक चलेगी कब रुकेगी अपन किसी को कोई आइडिया नहीं है। आपको LED लाइट भी मिल जाएगी इधर, ये बहुत सी ऐसी आइटम है आप जो आपको हर रेट के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगी। लेकिन दोस्तों चोर बाजार से कोई भी सामान खरीदने से अच्छा है कि जो जेन्युइन दुकानें हैं वहाँ से खरीदो, जिससे आपको वारंटी भी मिले और उसकी गारंटी भी हो कि चलो अगर कुछ भी खराबी हो तो अपन उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रिक आइटम के लिए बता रहा हूँ, दूसरी आपकी फुटवेयर कोई भी आइटम आप खरीद सकते हो जहाँ से भी अपन को सस्ता मिले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक का बनाऊँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मैं और भी बहुत सारे वीडियो आपके सामने लेके आ सकूँ।